वोट लेके आए वैसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अति भीड़ का लगा रखी है थन बेरो को नहीं कोरोना काल चल रहे फिलहाल। मास्क तो लगा रखे अब थे कितने सवारे बिठा रखे ही चीज करो जैसे बॉर्डर दिल्ली में कर रखा उसकी तरह। अब को क्या क्या सामान खरीद के लाओ मैडम, या तो पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए या शादी शादी कुछ ही मत करो। सुमनगढ़ के अंदर 80 पॉजिटिव पाया गया है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिकर पर थारो बहुत गुणो स्वागत है। आज आप पूछे हाँ लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर जो तहसील भी लक्ष्मणगढ़ी है तो अभी आप खड़े हाँ जो चौपड़ बाजार है एक अंदर आप खड़े हाँ तो आड़िया की आप बातचीत अड़े जो लोग हैं बातचीत करांगा। फिलहाल तो जो मेडिकल स्टोर है और जो सब्जी की दुकानी फल फ्रूट की दुकानी वही खुल रही हैं। अभी कोरोना काल भी चल रहे हो लॉकडाउन लगे हुए है, देखांगा कि हाल फिलहाल इजा के हाल है। वीडियो है इन अंत तक जरूर देखो और अभी तक थे चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अति भीड़ का लगा रखी है थन बेरो को नहीं कोरोना काल चल रहे फिलहाल। देखो कहीं अड़ के कहीं बैठे हो, मास्क तो लगा रखे है, मास्क तो लगा रखे तो थे कि फैमिली का होगी। हाँ एक ही शादी थी, शादी में आया हो तो शादी में आया तो केवरो कैसा के कोरोना करोना आपको को नहीं बस थोड़ा सा ही अबे घर घर का ही हो खुद है घर घर का ही है कोई बात अच्छा घर घर का। तो भी फिलहाल तो स्टैंड पर क्या का वेट कर रहे हो? बस के लिए, बस के लिए अभी फिलहाल के सावधानी बरत रहे हो? सावधानी है मास्क लगा रखा है, हाथ धो रहे 5-5 मिनट के अंदर, सैनिटाइजर रख रहे इस्तेमाल कर रहे, सावधानी यही बरत रहे। और घर जाके घर जाते हैं तो मुँह हाथ धो के अंदर बढ़ते हैं, ग्राहक से दूरी बना रखी है और हर चीज का सावधानी बरत रहे हैं। और ग्राहक माल ना सो रहे, देखो इस हिसाब से सामान ना सो रहे, दुकानदारी 25% दुकानदारी बची हमारी, माल पहले ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा जी। ग्राहक को यदि ये बसे बंद हो गई ना बाहर गाँव की ये लोग इससे हमारे ग्राहक कमा रहे। तो भाव भाई ही या कम ज्यादा है? पहले नारियल का पानी हो रहा है 80 रुपए का, 40 रुपए का बिक रहा था पहले, अब इसकी रेट हो रही है 80 रुपए की भी, 100 रुपए की 4 फीस हो रही है, वो 300 रुपए की 4 हो रही है। आगे मंडी से भाव तेज हो रहे हैं, हमारे तो वैसे ही मार्जिन मिल रहा है, जैसे सेव 160 रुपए किलो बिक रही है सेव, पहले 140 बिक रही थी, मार्जिन वही मिल रहा है हमें, तो माल आगे से महंगा हो रहा है मंडी से। और कोई हम तो यहाँ महंगा नहीं बेच रहे, कोई हर चीज़ के अंदर वही वैरायटी, भाई केला 30 बिक रहा है 26 का जाकर। ग्राहक भी नहीं है भाई, बाहर कोई आता ही नहीं है मार्केट में। भाई को नहीं तो जहाँ सब्जी है भाई फल फ्रूट है ये भी खराब हो जाए, ये भी खराब होता है गर्मी में पड़ती है। कोई समस्या भी आ रही है कि फिलहाल? समस्या कुछ नहीं है, कस्टमर सुबह 6 से 11 तक रहे, बाद में थोड़ा सा एक दो आता रहे। लॉकडाउन भी हो रहे थे, बाहर गए घूम रहे हो? फल फ्रूट लेना है और हर चीज में परेशानी है, खाद्य सामग्री जो भी खरीद वन जहाँ भी बंद पड़ी है। अब को क्या क्या सामान खरीद के लाओ मैडम, या तो पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए या शादी शादी कुछ ही मत करो, या शादी कराओ तो भी परेशानी हो रही है हर चीज में। तो थारा घर में है क्या शादी? हाँ शादी है घर में। अच्छा तो क्या क्या समस्या आ रही है? हर चीज में परेशानी है, बैंक में आया तो बैंक में बंद पड़ी, अब हर चीज में जो कपड़ा ले बनाया तो वह दुकान बंद करा दी, और सब जगह ठेले भी लग रखे, या तो पूरा बंद कर दो चीज करो जैसे बॉर्डर दिल्ली में कर रखा है उसकी तरह, या पूरा इसको खोल दो फिर जी। दिल्ली में तो वैसे चीज हो रही है पूरा, चालान काटे जाए हर चीज में है? कोई भी चीज जाए तो बैठे चालान कटा लो हर चीज में। मार तो गुजारिश चाहिए या तो लॉकडाउन सख्त की हो जाए या लॉकडाउन तोड़ दियो जाए, एक ही कार्रवाई है, बारह वापस भेज दियो। मास्क तो लगा रखे अब थे कितने सवारे बिठा रखे ही 6-7 बैठे हुए थे लोग। खेत में आया सामान ले रहे टापरा ने खटोता रहा बीच में गेलम छोड़ दिया, क्या बताओ खेत में आया होगी थी फिलहाल? हाँ खेत में। तो अभी जहाँ सवारे में फोन चल रहा ना सवारे में चल रही हूँ मैं, खेत में आया। अच्छा एक नाच कार्ड लिया, अब घर जा रहे हमारे। लक्ष्मणगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है अभी को ऊपर आप आया हाँ, देखा हाँ की कौन सी ट्रेन चल रही है और कती के सवारी ट्रेन के अंदर बिठा रही, समस्या थोड़ी आ रही है? नहीं माना तो कुछ को नहीं, हमारे बच्चे खेल रहे इधर उधर, कोई परेशानी नहीं, सब मास्क लगा रखे बच्चे लोग, देख लो कोई गिल्ला सिक्का। जयपुर तो कितने बजे आओगी थारी ट्रेन? 5:30 बजे, सब साथ में ही है, एक ही चलेगा। सब परिवार एक ही है, ये परिवार तो एक है, फिर भी केवरो का ऐसा कोरोना हुआ तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वोट लेके आए वैसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आया यही लक्ष्मणगढ़ से। अभी जहाँ थे रेलवे स्टेशन पर आ रहे हो तो ट्रेन कब की है सारी? 2:40 की बता रहे हैं ट्रेन। तो 2:40 तो ज्यादा हो रही है, 4 बजे में जा रहे हैं। पहले तो कोई आधी घंटा हमारी है ट्रेन, अब आधी घंटा की 5 बजे आएगी ट्रेन। फिलहाल हम जाना खड़े लक्ष्मणगढ़ सिकर जाना है। सभी यात्री जो आते हैं यात्री को जागरूक करते हैं भाई सोशल डिस्टेंस रह के, और बिना मास्क कोई अंदर नहीं आए, और सोशल डिस्टेंस रखते हुए और अपनी यात्रा करें।
अभी फिलहाल कौन सी ट्रेन आवेगी? अभी फिलहाल 048 आएगी चूरू से जयपुर। चूरू से जयपुर आओगी तो अभी कितने बजे को टाइमिंग है? टाइमिंग वो कुछ लेट चल रही है, उसका पावर खराब हो गया था, कुछ लेट आ रही है, टाइमिंग अभी संभव तो बताएंगे। हाँ तो अभी फिलहाल तो ट्रेन आ रही को नहीं है, जो ट्रेन को टाइम हो 2:50 अभी जो ट्रेन में कोई खराबी होगी इसलिए आई को नहीं। चूरू ट्रेन आवेगी और जयपुर के लिए आवेगी तो अभी फिलहाल 5:30 को टाइमिंग है। अभी बात कर लें कि अभी कि लोग कता के आ रहे हैं कता नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं ज़्यादा लोग को नहीं, 40-50 लोग ही और अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो 2 या 3 गज की दूरी बना रखी है। जैसे कि थे वीडियो का दोबारा देख रहे हो, लोग काफ़ी दूर दूर तक बैठे हैं, ना कि एक जगह झुंड बना के बैठे हैं। जो लक्ष्मणगढ़ को जो सरकारी हॉस्पिटल है के सामने आपा खड़े हैं तो एक अंदर जावांगा देखांगा कि कोरोना काल चल रही में जो लोग जो पेशेंट आ रहे हैं वे के सावधानी बरत रहे हैं और डॉक्टर के सावधानी बरत रहे हैं और साफ सफाई कती के रखी जा रही है। चीज़ें कि आप बात कर लें हॉस्पिटल की तो इन टीकाकरण चल रहा है तो लोगों का कोई थर कोई समस्या आ रही है? नहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, आराम से सबके टाइम टू टाइम टीके लगा रहे हैं, लग रहे हैं बराबर टीके लगा रहे हैं। तो ठेके के अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, सेफ्टी रखो, सेफ्टी तो मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर ये सब रखते हैं और इनका बार बार प्रयोग करते हैं और साबुन से बार बार में हाथ धोते हैं और बचाव के लिए मास्क वगैरह लगा के रखते हैं। काफी सारा दर्शक देख रहे हैं, कुछ लोग मतलब जो नहीं समझ रहे हैं कि कोई बीमारी को नहीं तो बाकी समझान के लिए थे के बोलना चाहोगे? बीमारी तो है ही है, कैसे नहीं बीमारी है, जाँच में सब पॉजिटिव आ रहे हैं, एक से तीन पेशेंटों में एक पॉजिटिव आ रहा है। बीमारी तो है, फैल रही है बीमारी, इससे बचाव करना है। जिसके बीमारी हो जाती है उसको पता चलता है और नहीं है बीमारी नहीं है ये अफवाह है, इस भ्रम में मत रहो और इससे दूरी बनाए रखो, बचाव ही उपाय है। और अभी जो लक्ष्मणगढ़ में कहे कताक पॉजिटिव, लक्ष्मणगढ़ में 80 के आसपास पॉजिटिव, 80 के आसपास पॉजिटिव 16 तारीख से। तो भी घर क्वारंटाइन करे जा रहे हो या हॉस्पिटल में? क्वारंटाइन घर किया जा रहा है और जिसके जो भी प्रॉब्लम है समस्या था उसको हॉस्पिटल में सांवली क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया जाता है। तो कोविड-19 का जो टीकाकरण चल रहे है तो एक अंदर थे के सावधानी बरत रहे हो? भाई कोविड के टीकाकरण के अंदर है तो सैनिटाइज है, मास्क लगा के है, पेशेंट से 2 गज दूरी रख के काम कर रहे हैं। जब टीकाकरण हो जाएगा बाद में थे कितनी देर तक ये बिठाए रखो? आधे घंटे तक क्यों बिठाए रखो? अगर कोई पेशेंट की कोई दिक्कत हो, जी घबराना हो, उसके लिए बिठाए रख दे, कोई लक्षण आए तो अभी फिलहाल कोई का कुछ हुई हो है कि नहीं? नहीं ऐसा पेशेंट नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक किसी। और मतलब कभी हो भी जाए तो फिर थे के करो? उसके लिए डॉक्टर 24 आवर्स यही हैं तो साइन सिम्टम के हिसाब से उनको मेडिसिन देते हैं। और जैसे अब बात करें सुबह कितने बजे हूँ लेके कितने बजे तक ये टीकाकरण चला है? ये सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, एक वायल से 10 लोगों के लगते हैं, 10 डोज आती है उसमें। जब टीकाकरण हो जाए कोविड-19 को भी कबान में कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा थकान हो जाए है, मतलब बुखार से चढ़ जाए है कि वह मन कौन करे कि बिस्तर पर उठ जाए, बिल्कुल वह वीक हो जाए, उनके लिए उनको देते हैं टेबलेट देते हैं बुखार के, सब लोगों को पैरासीटामोल दे रहे हैं, जो भी टीका लगवा के जा रहे हैं उनको सबको दे रहे हैं सिरप और टेबलेट दोनों। टीकाकरण हुए है जो इंजेक्शन लगाए हुए हैं अभी कोई समस्या आएगी? कोई नहीं आई ना। और अभी जो थे अंदर आया हो तो जो मास्क पहन रखे घर जाओगा तो थे हाथ हूँ धोगा? हॉस्पिटल में बे कोई समस्या तो कोई ना? मित्र की थारी दुकान खुली है तो सरकार परमिशन दे रखी है? हाँ बिल्कुल। और जो कि कोई भी कस्टमर आओ थे पिस्सा लो या कोई भी फोटो कॉपी कुछ भी करके दो तो फिर सैनिटाइजर? पहली बात ये कि अगर फोटो कॉपी अर्जेंट हो तो निकालते हैं और निकालते सैनिटाइज करते हैं खुद को। और दूसरी बात फिलहाल कस्टमर कौन आ रहे हैं जिसको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना हो वही आ रहे हैं। और कोई समस्या भी आ रही है फिलहाल? फिलहाल में देखो समस्या कुछ नहीं है हमारे तो, और ये है कि कस्टमर आ रहे हैं एक या दो, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। वैसे तो आती ही नहीं कस्टमर, और आते तो भी जैसे मान लो कि अपने 11 बजे मार्केट बंद हो जाता है तो 11 बजे तक मार्केट में भीड़ रहती है, वो तो प्रोचन वाली ही रहती है। अपने वहाँ से आते दिन में कुछ जस्ट कस्टमर आता है लास्ट में, इससे ज़्यादा नहीं है। कि सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है लोग पालन कर रहे हैं कि हाँ? नहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन 80% लोग पालन कर रहे हैं, 20% को बताना पड़ता है, टोकना पड़ता है तब जाके। जो 12 गाड़ी आ रही हैं बाकी थे के पूछ नहीं वो वहाँ बाहर नाकाबंदी लगी हुई है, नाके पे वहीं से चेक होती है जी। जिनके पास परमिशन है वो तो आती है और बाकी वापिस रवाना हो जाती है।
तो मेरी तो मतलब मेरी सौ एक ही रिक्वेस्ट है कि घर का बांध जब भी निकलो जो बहुत ज़रूरी काम हुआ है, और मास्क और सैनिटाइजर अपने पास में रखो, मास्क लगा के रखो, और खड़े भी जा रहे हो जरूरत ज़रूरी काम हुआ तभी घर के बाहर जाओ, और जाओ तो सैनिटाइजर वगैरह करो और अपना ध्यान रखो। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो पास में ही घंटी है बिन भी दबा लो, जो भी नई वीडियो आओगे भी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फोन में आ जाएगी। जय हिंद, जय सिख, जय राजस्थान।